इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रतापपुर से, जहां दो स्कूली छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। प्रतापपुर के पंछी डांड स्कूल का ये मामला है, जहां दो स्कूली छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रतापपुर से, जहां स्कूल को सील कर दिया गया है 15 दिन के लिए। आपको बता दें कि दोनों बच्चों को आइसोलेट किया गया है, तो वहीं CMHORSS राम ने की इस बात की पुष्टि। तो बता दें बड़ी खबर प्रतापपुर से मिल रही है, जहां पर दो स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रतापपुर के पंछी डांड स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है। दोनों बच्चों को होम आइसोलेट में रखा गया है। आपको बता दें कि CMHORSS राम ने इस बात की पुष्टि की है। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतापपुर से जुड़ रहे हैं। तो जिशान जी बताइए क्या कुछ जानकारी है, दो स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी आपको बताना चाहूंगा, ये प्रतापपुर विकास खंड का पंछी डांड हाई स्कूल है। यहाँ पे दो बच्चे जो एक छात्रा एक छात्र हैं, जो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और एहतियात के तौर पर उनका कल रेंडम जांच हुआ और उसमें ये दोनों छात्र जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर हाई स्कूल को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जी निशान जी, वहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं बरती जा रही है? अभी एहतियात के तौर पर स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जैसे वहाँ के जो प्रचार है उनसे बात हुआ है कि 15 दिन तक पूर्णतः स्कूल बंद रहेगा, और उसके बाद जब भी स्कूल चालू होगा तो पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही स्कूल का संचालन फिर से सुचारू रूप से हो सकेगा।